ज इज यूज फॉर टू डी ग्राफिक का कौन सा पैकेज टू डी ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है ओके सो हियर वी हैव द ऑप्शन मेट प्लॉट लिप डॉट पाइप तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही

के फंक्शंस को आप यूज करो राइट right? तो आप उसके लिए कौन सी कमांड का कर यूज करते हो वी हैव इंपोर्ट पी एल टी डॉट मेट प्लॉट लिप एस प्लॉट दिस इज रॉन्ग देन इम्पोर्ट प्लॉट डॉट मेट प्लॉट लिप एस पी पी टी दिस इज ऑल्सो रोंग इम्पोर्ट मेट प्लॉट लिप एस पी एल टी एस प्लॉट नो इम्पोर्ट मेट प्लॉट लिब डॉट पाइपलॉट एस पी एल टी तो हम कौन सी कमांड अपने कोडिंग में मेट प्लॉट लिप को इम्पोर्ट करने के लिए आप कौन सी कमांड को यूज़ करते हो यहाँ पे आप यूज़ करोगे कमांड डी इम्पोर्ट मेट प्लॉट लिप मेट प्लॉट लिप लाइब्रेरी का पाइपलॉट मॉड्यूल क्या हो जाए इम्पोर्ट हो जाए आपके आपकी कोडिंग में आपके प्रोग्राम में एस पी एल टी यहाँ पे हमने पी एल टी क्या लिया है इसका अल्टरनेटिव नेम लिया है फ़ाइन तो अगर तो क्या होगा हम लोगों को मेट प्लॉट लिप डॉट पाइपलॉट पूरा नहीं लिखना पड़ेगा आप सिंपली पी एल टी डॉट करके जो भी फंक्शन यूज़ करना है पाइप प्लॉट मॉड्यूल का आप वो फंक्शन यूज़ कर सकते हो जो भी फंक्शन यूज़ करना है आपको मेट प्लॉट लिप लाइब्रेरी के पाइप प्लॉट मॉड्यूल का आप वो फंक्शन यूज़ कर सकते हो फ़ाइन so this is the command import लिप dot. पाइपलॉट as plt right plt क्या है ऑप्शनल है यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो pt रख लो uh, pd रख लो ओके राइट लेकिन जो एक करेक्ट स्टेटमेंट है वो है import मेट dot. लिप डॉट पाइपलॉट ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फोलोइंग इज एन इन करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ save fig फंक्शन

पी एल टी यहाँ पे क्या है उसके प्लॉट लिप डॉट plt राइट कर लिया है सेफिक, हमने ठीक है सेकेंड हमने किया है पीएलटी डॉट सेफिक बार वन डॉट पी एनजी इमेज की फॉर्म में अगर आप चाहते हो तो इमेज की फॉर्म में वो आपके सिस्टम पे सेव हो जाएगा आपका ग्राफ पीएल सेफिक बार वन डॉट ई ओके, okay? तो यहां पे फॉर्मेट है है? ये कैसा फाइल, आ, है? जो प्रिंटिंग हाई स्टैंड मतलब प्रोफेशनल प्रिंटिंग को सेव करने के लिए यूज किया जाता है तो सेव आ, फिक फंक्शन इसको सपोर्ट नहीं करता है राइट तो ये यह, यहाँ पे जो इनक्रेस्ट स्टेटमेंट है वो है सी राइट right? वो है सी क्योंकि आप सेव फि फंक्शन के अंदर अपने ग्राफ को पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो उसको इमेज फॉर्म में भी सेव कर सकते हो उसको आप प्रेजेंटेशन की फॉर्म में भी सेव कर सकते हो फाइन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्ट ऑफ द चार्ट विच आइडेंटिफाइज डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा प्लॉटेड ऑन द प्लॉट बाय डिफरेंट कलर्स आर कॉल्ड चार्ट का वो पार्ट राइट right? जो आपको डेटा शो करता है किस फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फॉर्म में राइट right? उसको आप क्या बोलते हो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है लेजेंड यस yes, हम उसको लेजेंड ही बोलते हैं फाइन फिर से देखो द पार्ट ऑफ चार्ट व्हिच आइडेंटिफाइज डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा प्लॉटेड ऑन अ प्लॉट बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स मान लो आप टू कंट्रीज का डेटा शो कर इंडिया एंड एन ऑस्ट्रेलिया राइट तो आपने इंडिया का डेटा जो शो किया है वो किया है रेड कलर में और ऑस्ट्रेलिया का आपने किया है ग्रीन कलर में राइट तो क्या होगा यहाँ पे कौन सा जो चार्ट का पार्ट है वो स्पेसिफाई करेगा कि इंडिया के डेटा रेड कलर का है और ऑस्ट्रेलिया का ग्रीन कलर का वो स्पेसिफाई करेगा लेजेंड्स ओके ओके विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नेसेसरी टू डिस्प्ले द कोड टू डिस्प्ले द प्लॉट अगर आपने क्या किया अपना ग्राफ uh, अपना चार्ट या क्या क्या क्रिएट किया ओके आप प्लॉट भी बोल सकते हो उसे क्रिएट किया आप चाहते हो डिस्प्ले हो तो डिस्प्ले करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है शो फंक्शन राइट डिस्प्ले फंक्शन या एग्जीक्यूट या प्लॉट फंक्शन आप यूज नहीं करोगे आप शो फंक्शन यूज करोगे अगर आपने चार्ट को क्रिएट कर लिया है अगर आप शो फंक्शन यूज नहीं करते हो तो डिस्प्ले नहीं होगा राइट इन ऑर्डर टू डिस्प्ले योर चार्ट यू हैव टू यूज द शो फंक्शन माइंड ओके द कमांड यूज टू प्रोवाइड अ हेडिंग टू अ चार्ट इज अगर आपको अपने चार्ट को हेडिंग प्रोवाइड करनी है तो आप कौन सी कमांड का यूज करोगे और यू कैन से कौन से फंक्शन का यूज़ करोगे पी एल टी डॉट शो नो पी एल टी डॉट प्लॉट दिस इज़ नॉट करेक्ट पी एल टी डॉट एक्स लेबल एक्स पी एल टी डॉट शो किस के लिए होगा चार्ट को शो करने के लिए पी एल टी डॉट प्लॉट फंक्शन होगा लाइन चार्ट को क्रिएट करने के लिए पी एल टी डॉट एक्स लेबल क्या होगा एक्स लेबल को देने के लिए राइट right? सो so, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है डी पी एल टी डॉट टाइटल ये इससे क्या कर सकते हो आप अपने चार्ट को टाइटल दे सकते हो हेडिंग दे सकते हो राइट जो टाइटल फंक्शन का यूज करते हो आप चार्ट को हेडिंग देने के लिए फाइन नो क्वेश्चन सेवन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आपको इन स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट uh, है मैट प्लॉट लिब इज अ पाइथन लाइब्रेरी सो दिस इज करेक्ट बिकॉज़ मैट मैट प्लॉट लिब क्या है पाइथन की लाइब्रेरी है ये करेक्ट है हमारा मतलब इसको अभी मुझे करना नहीं था ओके देन सेकंड इज लाइन फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले लाइन ग्राफ ये क्या है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो यही हमारा आंसर है बी ओके okay, क्योंकि लाइन ग्राफ के लिए आप प्लॉट फंक्शन का यूज करते हो लाइन फंक्शन का यूज नहीं करते एक बार सी भी देख लेते हैं प्लॉट 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 इज अ सब मॉड्यूल अंडर लिब लाइब्रेरी तो तो क्या है मेट प्लॉट लिब लाइब्रेरी का सब मॉड्यूल है तो यहाँ पे ए बी करेक्ट है बी बी करेक्ट वो सॉरी ए बी करेक्ट है सी सीबी करेक्ट है बी क्या है इनकरेक्ट तो हमारा आंसर क्या हो गया बी क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना था फाइन

डेटा विजुअलाइजेशन का यूज़ किया जाता है इन्फॉर्मेशन को क्लियरली uh, दिखाने के लिए जिससे यूज़र समझ सकें राइट right? और उसका अच्छे से यूज़ कर सकें और कैसे इन्फॉर्मेशन को दिखाया जाता है ग्राफिक्स फॉर्म में टेबल्स की फॉर्म में चार्ट्स की फॉर्म में ग्राफ्स की फॉर्म में राइट right? तो ए इज़ करेक्ट देन बी डेटा विजुअलाइजेशन हेल्प यूजर इन एनालाइजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ सिंपलर वे ओके तो यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन की हेल्प से uh, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या किया जा सकता है एनालाइज किया जा सकता है राइट दिस इज ऑल्सो करेक्ट डेटा विजुलाइजेशन मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा मोर एसेसिबल अंडरस्टैंडेबल एंड यूजेबल डेटा विजुअलाइजेशन की हेल्प से कॉम्प्लेक्स डेटा को भी एक्सेस किया जा सकता है उसको समझा जा सकता है उसको यूज़ किया जा सकता है ओके तो सी इज़ ऑल्सो करेक्ट तो यहाँ पे हमें क्या बताना था वॉट इज़ ट्रू अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा डी क्योंकि जितने भी ये ऑप्शन हैं वो सारे ट्रू हैं फाइन तो आपका आंसर है डी ओके नाउ अ फिगर और चार्ट कंटेंस एक चार्ट में या फिगर में क्या क्या होता है चार्ट को हम फिगर बोलते हैं कंप्लीट चार्ट को फिगर बोला जाता है ओके प्लॉटिंग एरिया यस प्लॉटिंग एरिया होता है ओके देन लेजेंड इट कंटेंस लेजेंड एक्सेस लेबल एक्सेस लेबल्स भी होते हैं तो यहाँ पे आंसर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबब क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ होता है फ्लोटिंग एरिया भी होता है लेजेंड भी होता है एक्सेस लेबल भी होता है फिगर के अंदर और यू कैन से चार्ट के अंदर

टू शो लेजेंड लेजेंड शो करने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है डिस्प्ले फंक्शन uh, ये क्या है इनकरेक्ट है शो से आप चार्ट को डिस्प्ले करते हो कंप्लीट चार्ट को तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है लेजेंड को शो करने के लिए आप कौन से फंक्शन का यूज करते हो आप लेजेंड फंक्शन का यूज करते हो ओके okay? ओके okay? तो को शो करने के लिए आप फंक्शन का यूज करोगे राइट right? नेक्स्ट क्या है हमारे पास द कमांड यूज टू सेव अ प्लॉटेड ग्राफ यूजिंग प्लॉट फंक्शन इज आप कौन सी कमांड का यूज करते हो ग्राफ को सेव करने के लिए पीएलटी डॉट सेव ओके ये क्या है इनकरेक्ट है पीएलटी डॉट सेव फिग दिस इज योर करेक्ट आंसर पी एल टी डॉट सेक्ट पीएलटी डॉट सेव इमेज इज नॉट करेक्ट तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी है पी एल टी डॉट से अंदर आप फाइल ड्राइव का नेम दो आप चार्ट को सेव करना चाहते हो फाइन द नेम पांडास इज ड्राइव फ्रॉम द टर्म जो पांडास नेम है वो कौन से टर्म से ड्राइव किया गया है वो ड्राइव किया गया है पेनल डेटा राइट right, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है पैनल डेटा पांडास जो नेम है वो कहाँ से ड्राइव किया कौन से टर्म से ड्राइव किया गया है तो ड्राइव किया गया है पैनल डेटा टर्म से राइट ओके नो नेक्स्ट पांडास सीरीज इज आपको बताना है पांडा सीरीज क्या है टू डायमेंशनल है थ्री डायमेंशनल है वन डायमेंशनल है तो वी नो इट पांडा सीरीज क्या होता है वन डायमेंशनल होता है फाइन वन डायमेंशनल लाइक रो ओके सो पांडा सीरीज इज वन वैशनल यहाँ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी ओके नो पांडास इज पांडास क्या है पैकेज है ओके okay, या लैंग्वेज है या सॉफ्टवेयर है या लाइब्रेरी है तो पांडास क्या है पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं मॉड्यूल्स हैं या मॉड्यूल्स हैं मॉड्यूल्स के अंदर भी सब मॉड्यूल्स हैं ओके तो ये uh, क्या कंटेन करते हैं मॉड्यूल्स बहुत सारे फंक्शंस कंटेन uh, करते हैं और फंक्शंस का डिफरेंट डिफरेंट टास्क है उसको हम अपने कोड में अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं तो पांडास क्या है एक लाइब्रेरी है फाइन पाइथन की लाइब्रेरी नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल प्रोड्यूस हॉरिजॉन्टल बार चार्ट अगर आपको हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बनाना है तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे प्लॉट तो लाइन के लिए होता है बार वर्टिकल बार के लिए होता है प्लॉट बार इज नॉट करेक्ट तो आपका आंसर डी जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है बार एच बार एच फंक्शन की हेल्प से आप हॉरिजॉन्टल बार चार्ट क्रिएट कर सकते हो टू स्पेसिफाई दाइन एज डेस्ट विच आर्ग्यूमेंट ऑफ प्लॉट का स्टाइल देना चाहते हो डॉट फंक्शन के अंदर कौन सी आर्ग्यूमेंट पास करोगे ओके आर्ग्यूमेंट विद वैल्यू तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे लाइन नो दिस इज नॉट करेक्ट विद नॉट ओके स्टाइल नो no. तो आपका क्या है आंसर डी है आपका आंसर आप क्या करोगे प्लॉट फंक्शन के अंदर आप क्या लिखोगे लाइन स्टाइल इक्वल टू डेस्ट राइट और डेस्ट को आप दोगे कोर्स के अंदर तो यहाँ पे कौन सी आर्ग्यूमेंट हम यूज करेंगे लाइन स्टाइल देने के लिए लाइन स्टाइल ऑप्शन डी राइट नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर एटीन क्या कह रहा है ऐसा ग्राफ या चार्ट जो क्या करता है इन्फॉर्मेशन को शो करता है किसकी फॉर्म में डेटा सीरीज की फॉर्म में ठीक है डेटा ठीक है जहां पर डेटा क्या मार्कर्स की डेटा पॉइंट राइट right? तो ऐसा कौन सा चार्ट होता है ऐसा चार्ट है हमारे पास लाइन जहां पे हम डेटा को डेटा को शो करते हैं लाइक दिस मार्कर ये हमारा डेटा है फिर लाइन देन फिर ये हमारा डेटा लाइक दिस ओके आप मार्कर किसी भी स्टाइल में ले सकते हो ओके okay, तो यहाँ पे क्या अ ग्राफ इज अ टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स वो कैसे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करिए एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स राइट और ये डेटा पॉइंट्स इसकी हेल्प से कनेक्ट है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट की हेल्प से कनेक्ट है ओके okay, तो कौन सा चार्ट ऐसे डेटा को शो करता है लाइन चार्ट फाइन नो व्हिच आर्गुमेंट ऑफ बार फंक्शन लेस यू सेट द थिकनेस ऑफ बार बार फंक्शन में आप कौन सा आर्गुमेंट पास करोगे जिसकी हेल्प से आप बार की थिकनेस को क्या करोगे सेट करोगे फाइन तो यहां हमारे पास है थिक दिस इज नॉट करेक्ट थिकनेस नॉट करेक्ट ओके सो आंसर इज सी विथ आप विथ आर्गुमेंट को पास करोगे और आप स्पेसिफाई करोगे कि आपको बार जो आपकी बार है उसकी विथ क्या चाहिए राइट right? Okay. Now, next, using pipe plot, mat plot lib. डैश कैन बी यूज टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फॉल इन टू इच इंटरवल तो यहाँ पे क्या कह रहा है mat, plot plot lib, मतलब इस लाइब्रेरी को यूज करके आप क्या कर सकते हो एक आपके पास एक ग्रैफ है जिसका यूज कर सकते हो और उस ग्रैफ की हेल्प से आप क्या कर सकते हो यू कैन कैन बी यूज टू काउंट हाउ मैनी वैल्यूज आप ये काउंट uh, कर सकते हो कितनी वैल्यूज uh, किस इंटरवल के अंदर आती है ओके okay, तो यहाँ पे क्लियरली क्या है हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम क्या है हिस्टोग्राम ग्राफ है और यू कैन से चार्ट है जहाँ पे आप क्या करते हो वैल्यूज को इंटरवल्स की फॉर्म में डिवाइड करते हो और आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो डिसाइड कर सकते हो कि कितनी वैल्यूज किस इंटरवल में आई है फर्स्ट इंटरवल में या फर्स्ट रेंज में कितनी वैल्यू आई फिर सेकेंड इंटरवल में कितनी वैल्यू आई थर्ड इंटरवल में कितनी वैल्यू आई ओके तो हिस्टोग्राम कैन बी यूज टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फॉल

डिसाइड कर सकते हो कि जो आपका लेजेंड है वो कहाँ पर आना चाहिए टॉप में आना चाहिए लेफ्ट टॉप में आना चाहिए राइट टॉप में आना चाहिए किसी और पोजिशन पे आना चाहिए फाइन नेक्स्ट नंबर्स और कैटेगरीज के बीच में रिलेशन बताता है तो ऐसा हमारा चार्ट है बार चार्ट जहाँ पे हम मोस्टली एक्स एक्सिस पे लेते हैं कैटेगरीज एंड y एक्सिस पे हम लेते हैं नंबर फाइन तो जैसे मान लो एक एग्जांपल लो स्कूल में गेम्स हैं क्रिकेट है फुटबॉल है, है तो आप क्रिकेट uh, में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ठीक है क्रिकेट की कैटेगरी में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नंबर्स आ जाएंगे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे वो शो कर देगा फिर uh, आपके फुटबॉल में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ओके ये भी एक कैटेगरी होगी तो उनोमेडिकल नंबर्स हैं मान लो थर्टीन बच्चे करना चाहते हैं क्रिकेट में तो यहाँ पर थर्टीन क्रिकेट के आ जाएंगे नंबर्स ओके ये थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा फिर भी यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ठीक है यहाँ पे मान लो फोर्टीन uh, बच्चे करना चाहते हैं किसमें पार्टिसिपेट uh, फुटबॉल में या बास्केटबॉल जो भी ठीक है तो यहाँ पे फोर्टीन आ गया तो यहाँ पे क्या नंबर्स, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स एंड कैटेगरीज का रिलेशन कौन बता रहा है बार चार्ट फाइन नो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्कर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ डैश फंक्शन मार्कर जो एट्रीब्यूट है वो हम कौन से फंक्शन में यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं प्लॉट फंक्शन में मार्कर कहाँ यूज़ होते हैं लाइन चार्ट को क्रिएट करने के लिए मार्कर यूज़ किया, किया जाता है मतलब मार्कर का डेटा है जिसको स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन किया जाता है ओके तो यहाँ पे मार्कर एट्रीब्यूट कहाँ पे हम पास करेंगे कहाँ पे यूज़ करेंगे प्लॉट फंक्शन के अंदर क्योंकि प्लॉट फंक्शन से ही लाइन चार्ट क्रिएट होता है फाइन नो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉटिंग फंक्शन डज नॉट प्लॉट मल्टीपल डेटा सीरीज ऐसा कौन सा फंक्शन है जो मल्टीपल डेटा सीरीज को प्लॉट नहीं करता तो प्लॉट फंक्शन uh, क्या होता है लाइन चार्ट क्रिएट करता है मल्टीपल लाइन चार्ट मल्टीपल उसमें डेटा शो कर सकते हो बार एच uh, क्या है जल बार क्रिएट करता है उसमें भी आप मल्टीपल डेटा शो कर कर सकते हो बार में भी आप मल्टीपल डेटा शो कर सकते हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है पाई पाई चार्ट क्या है मल्टीपल डेटा सीरीज को शो नहीं करता ये एक ही डेटा सीरीज uh, के अंदर क्या करता है डिविजन uh, को शो करता है और यू कैन से सेग्रीगेशन को शो करता है फाइन वैसे भी क्या होता है? Uh, default bar chart होता है है right? राइट अगर आपको हॉर्जोंटल बार चार्ट क्रिएट करना है तो आप बार एज फंक्शन का यूज कर, करते हो तो वर्टिकल बार चार्ट के लिए आप सिंपल बार फंक्शन का यूज करते हो टू क्रिएट द वर्टिकल बार चार्ट यू विल यूज द बार फंक्शन फाइन द डेटा पॉइंट्स प्लॉटेड अभी हमने किया था जो डेटा पॉइंट्स प्लॉट किए जाते हैं ग्राफ के ऊपर उनको आप क्या बोलते हो उनको हम बोलते हैं मार्कर्स फाइन ओके विच फंक्शन वुड यू यूज टू सेट द लिमिट्स ऑफ एक्स एक्सेस ऑफ द प्लॉट अगर आपको क्या करना है x-axis पे जो आप data दे रहे हो उसके limits को set करना है कि कौन से uh, मतलब किस number से किस number तक uh, data show होना चाहिए ठीक है तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे यहाँ पे हमारा फर्स्ट है लिमिट्स दिस इज नॉट करेक्ट देन एक्स लिमिट्स नॉट करेक्ट देन वी द एक्स क्लेम यस ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके okay, इस फंक्शन में आप पास करोगे वैल्यूज़ की कहाँ से कहाँ तक आपका जो रेंज होनी चाहिए मान लो मैं शो कराना चाहती हूँ माइनस टू से लेकर टेन तक प्लस टेन तक राइट right? तो आप एक्सलिम फंक्शन की हेल्प से क्या कर सकते हो एक्स एक्स एक्सेस की लिमिट्स को सेट कर सकते हो अगर आप ये नहीं यूज़ करते तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है चार्ट अपने आप सेट करता है फाइन

यहाँ पे क्या विच आर्ग्यूमेंट मस्ट बी सेट विद द प्लॉटिंग फंक्शन फॉर लेजेंड टू डिस्प्ले द लेजेंड तो आपको क्या लेजेंड फंक्शन में क्या पास करना होगा तो यहाँ पे हम लेजेंड फंक्शन में पास करेंगे लेबल लेबल की हेल्प से हम क्या करते हैं लेजेंड के जो लेजेंड है उसको कलर्स देते हैं कैटेगरीज देते हैं राइट अब लेबल्स में आप डिफाइन करोगे जैसे लेबल आ, ए फाइन लेबल बी नेक्स्ट जो एक डेटा है सीरीज है उसको आपने लेबल ए ए दे दिया सेकंड uh, सीरीज है उसको आपने लेबल बी दे दिया ठीक है आप कुछ भी दे सकते हो इसमें नेम दे दे सकते हो लेबल आपने आपने दिया इंडिया देन सेकंड ऑस्ट्रेलिया देन अमेरिका राइट लाइक दिस तो आपको क्या करना होता है लेजेंड में लेबल आर्ग्यूमेंट uh, को पास करना होता है और उसकी हेल्प से आप स्पेसिफाई करते हो राइट right? कि किस किस कैटेगरीज uh, को लेजेंड शो करेगा विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अम हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है फर्स्ट वी हैव हिस्टोग्राम सेकेंड वी हैव हिस्टो देन थर्ड वी हैव हिस्ट सो ऑप्शन हिस्ट फंक्शन का यूज किया जाता है हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए फाइन टू गिव अ टाइटल टू द एक्स एक्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल आप एक्सेस को क्या करना देते हो करना चाहते हो टाइटल देना चाहते हो आप उसका लेबल देना चाहते हो तो आप क्या कौन सा फंक्शन uh, यूज करोगे फर्स्ट वी हैव पी एल डॉट एक्स टाइटल दिस इज नॉट करेक्ट सेकेंड पी एल डॉट एक्स लेबल ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है तो पे हमारे दो ऑप्शन करेक्ट हैं बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है दोनों में डिफरेंस क्या है बी में सिंपल आपने क्या किया एक्स लेबल को टाइटल दे दिया एक्स एक्सिस को टाइटल दे दिया सेकेंड में आपने क्या किया एक्स एक्सिस को टाइटल भी दिया है और उसको शो भी करा दिया फाइन अगर आपने यहाँ पे शो करा दिया तो शो मान लो अगर आपने यहाँ पे शो करा दिया है और बाय चांस आप ग्राफ कंप्लीट ग्राफ, ग्राफ को शो करने के लिए नहीं वो देते हो तो इसकी ऐप से वो शो हो जाएगा फाइन समझ आ रहा है बहुत हा सेम बस यहाँ पे सिंपली आपने शो फंक्शन का यूज कर दिया है ओके okay?

अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक, एक आपको क्या प्रोवाइड करता है मेट प्लॉटलेव लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप डेटा का विजुलाइजेशन कर सकते हैं डेटा एनालिसिस कर सकते हैं ओके दिस स्टेटमेंट इज नाउ नो इसका रीजन देखते हैं मेट प्लॉटलेव इज टू 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी डेट हेल्प इन विजुअलाइजिंग फिगर्स ओके okay, तो मैट प्लॉट लिप क्या है एक टू डी प्लॉटिंग लाइब्रेरी है एक प्लॉटिंग लाइब्रेरी है जो जितने भी फंक्शन जिस उसके अंदर है वो हेल्प करते हैं टू डी प्लॉट क्रिएट करने के लिए राइट right? ओके okay, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा बॉर्थ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन राइट दोनों करेक्ट है और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट रीजन है फाइन ओके नाउ वी हैव द दसेशन वी कैन नॉट कंट्रोल द एच कलर ऑफ द बार लाइन स्टाइल एंड लाइन विथ सो एसेशन इज नॉट करेक्ट हम बार चार्ट के बार्स का एच कलर भी क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं लाइन विथ भी चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या है वी कैन नॉट कंट्रोल हम नहीं कर सकते तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया असर्शन राइट नाव रीजन टू मेक अज शॉर्टेड इंटू बिन्स एंड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट इन इन ईच बिन इज काउंटेड क्या हिस्टोग्राम में क्या करते हैं डेटा को आप डिवाइड कर देते हैं बिन्स में बिन्स आप बिन्स बोलो या इंटरवल्स बोलो राइट right? ओके okay. और फिर यहाँ पे क्या किया जाता है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट इन ईच बिन इज काउंटेड जितने जो भी बिन्स बनते हैं उनके अंदर कितने डेटा पॉइंट्स आए हैं उसको काउंट किया जाता है तो द रीजन इज करेक्ट ओके तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी एसन इज फॉल्स एसर्शन हमारा रॉन्ग है बट रीजन इज ट्रू फाइन आपका एसेशन फोर्स है बट रीजन क्या है आपका ट्रू है हिस्टोग्राम में क्या होता है डेटा को इंटरवल्स की फॉर्म में डिवाइड किया जाता है और फिर आप क्या देखते हो कि कितने डेटा पॉइंट्स ईच बिन के अंदर आ रहे हैं मतलब ईच इंटरवल के अंदर कितने डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं फाइन ओके एसेशन पाइप प्लॉट फंक्शन इज यूज टू क्रिएट लाइन चार्ट प्लॉट का प्लॉट फंक्शन लाइन चार्ट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है फाइन तो ये हमारा क्या है करेक्ट है ओके okay, अब रीजन देखते हैं इसका पाइपलॉट बार एज फंक्शन इज टू क्रिएट हॉर्जोटल बार ग्राफ तो ये भी करेक्ट है पाइपलॉट का बार एज फंक्शन किसके लिए यूज किया जाता है हॉर्जोंटल बार चार्ट को क्रिएट uh, करने के लिए यूज किया जाता है फाइन दोनों आपके करेक्ट uh, है असेशन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है ओके okay? तो यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन आपका आएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए दोनों करेक्ट तो है लेकिन जो रीजन है वो असर्शन से रिलेट नहीं करता वो उसको एक्सप्लेन नहीं करता तो दोनों करेक्ट तो है लेकिन रीजन एसर्शन को एसर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फाइन ओके एसेशन इज द डेटा पॉइंट प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ आर कॉल्ड मार्कर्स जो ग्राफ के ऊपर डेटा पॉइंट्स को प्लॉट किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं मार्कर्स बोलते हैं राइट तो ये क्या है हमारा ट्रू है यस डेटा पॉइंट्स को मार्कर्स बोलते हैं अब रीजन क्या है द विथ आर्ग्यूमेंट ऑफ प्लॉट स्पेसीफाइज द विथ ऑफ द लाइन तो ये क्या है रॉन्ग है क्योंकि विथ आर्ग्यूमेंट नहीं होती लाइन विथ होती है राइट लाइन विथ आर्ग्यूमेंट का यूज़ किया जाता है लाइन की विथ को डिफाइन करने के लिए फाइन तो यहाँ पे हमारा रीजन रॉन्ग है तो इसका कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे इसका ऑप्शन आप सी चूज करोगे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एसेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स ओके लाइन आर्ग्यूमेंट line. Line का यूज like तो तो किया जाता है बार फंक्शन के अंदर बार की bar, जो बार बनते हैं उनकी विद को स्पेसिफाई uh, uh, करने के लिए उनकी विध uh, को बताने के लिए फाइन तो रीजन क्या है हमारा रॉन्ग है फाइन तो आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा आपका सी ए इज ट्रू ओके एसेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स ओके ओके नाव वी हैव द एक्स टिक्स फंक्शन इज यूज टू स्पेसिफाई टिक्स ऑफ एक्स एक्सिस एक्सटिक्स फंक्शन का यूज़ किया जाता है एक्स एक्सेस के टिक्स को स्पेसीफाई करने के लिए टिक्स क्या होता है जो डेटा जो आप उसके अंदर डेटा पॉइंट्स बनाते हो लाइक दिस एक्स एक्सेसिस पे जो आप क्रिएट uh, करते हो जहाँ जहाँ पे आप डेटा को ड्रॉ करते हो ठीक है तो यहाँ पे जो असेशन है दिस इज टू दैन रीजन टू सेव अ प्लॉट सेव फंक्शन इज यूज प्लॉट को सेव करने के लिए हम सेव फ़िक फंक्शन का यूज करते हैं तो यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है रीजन भी ट्रू है लेकिन रीजन क्या है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है वो डिफरेंट है फाइन तो आप क्या करोगे यहाँ पे कौन से ऑप्शन को चूज करोगे यहाँ पे हम बी को चूज करेंगे बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर आर मतलब रीजन बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ठीक है Now, assertion is data visualization demand much more from a graph plot. द ग्राफ प्लॉट शुड है वो क्या कह रहा है कि उसकी जब वो ग्राफ प्लॉट क्रिएट करता है तो उसकी कुछ डिमांड्स demand, होती है क्या द्राफ प्लॉटल होना चाहिए ग्राफ्स में एक्स एंड वाई लिमिट्स हो डि करे जाए अच्छे से लेबल दिए जाए लेजेंड्स दिए जाए राइट तो जब आप डेटा विजुअलाइजेशन की हेल्प से ग्राफ्स को क्रिएट करते हो तो क्या होता है प्रॉपर वे में ग्राफ को क्रिएट करना चाहिए

राइट right, उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है एक उसकी एक स्पेसिफिक एनाटॉमी एनाटॉमी मींस उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं फाइन तो एसेशन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है बट क्या है रीज़न एसेशन को जस्टिफाई नहीं करता मतलब उसको उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देता स्टेटमेंट दोनों ट्रू है तो यहाँ पे हम किसको चूज करेंगे यहाँ हम ऑप्शन बी को चूज करेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन फाइन ऐसा नहीं है बायोग्राफ कैटेगरीज को शो करता है एंड हिस्टोग्राम क्या करता है रेंज को शो करता है ठीक है रेंज ऑफ डेटा को शो करता है फाइन ओके तो हमारे पास रीजन क्या है अ बायोग्राफ रिप्रेजेंट कैटेगोरिकल डेटा यूजिंग रेक्टेगुलर बार्स

बार को शो करती है जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपकी वन से लेकर टेन तक की रेंज देन सेकंड uh, बार आपकी हो गई इलेवन से लेकर ट्वेंटी uh, तक की रेंज ठीक है तो यहाँ पे क्या करता है बार ग्राफ शो करता है कैटेगरीज को ओके और हिस्टोग्राम क्या करता है रेंज ऑफ डेटा को शो करता है इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स ओके तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है ए इज फॉल्स ए क्या था एसर्शन बायोग्राफ और हिस्टोग्राम सेम है तो ये तो रॉन्ग है दोनों डिफरेंट है लेकिन रीजन ट्रू है कि बायोग्राफ कैटेगरीज को शो करता है और हिस्टोग्राम किसको शो करता है रेंज को शो करता है डेटा की रेंज को शो करता है फाइन ओके नाउ वी हैव द एसर्शन हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट प्रोवाइड्स विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमरिकल डेटा बाय इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट लाइंग विद इन अ रेंज ऑफ वैल्यू तो ये क्या कह रहा है हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ है जो क्या करता है इट प्रोवाइड्स अ विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ ये न्यूमेरिकल डेटा का विजुअल इंटरप्रिटेशन बताता है मतलब उसको न्यूमेरिकल डेटा को विजुअल फॉर्म में शो करता है ओके बाई इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स और कैसे शो करता है कि किस रेंज के अंदर कित uh, कितनी डेटा वैल्यूज आई हैं ठीक है थीके? तो उसको बार्स की फॉर्म में शो कर देगा अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको हिस्टोग्राम का कि न्यूमेरिकल डेटा कोई बार की फॉर्म में शो करता है ओके okay, बार्स की फॉर्म में और ये जो बार्स है वो किसको शो करते हैं रेंज को लाइक टेन टू ट्वेंटी थर्टी टू फोर्टी लाइक दिस ओके तो हमारा एसेशन क्या है हमारा एसेशन ट्रू है देन वी हैव द रीजन द पोजीशन आर्गुमेंट ऑफ लीजन लीजेंड फंक्शन प्रोवाइड द लोकेशन ऑफ द लेजेंड फाइन तो यहाँ पे क्या है क्या कह रहा है कि जो पोजीशन आर्ग्यूमेंट है उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो लेजेंड लेजेंड में फंक्शन के, uh, के अंदर पोजीशन दे सकते हो लेजेंड की ओके okay. तो यहाँ पे दोनों करेक्ट हैं बट क्या है रीजन आपका एसेशन uh, का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फाइन तो कौन सा ऑप्शन आप दोगे यहाँ पे ऑप्शन बी ए एंड बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ओके नेक्स्ट वी हैव वी कैन नॉट कंट्रोल द एज कलर ऑफ द बार्स लाइन स्टाइल एंड लाइन विथ हम बार चार्ट के अंदर उसकी बार की एज को लाइन स्टाइल को विथ को क्या कर सकते हैं डिफाइन uh, नहीं कर सकते हैं ओके okay, तो यहाँ पे एसेशन हमारा फॉल्स है देन वी हैव द रीजन टू मेक अ हिस्टोग्राम द डेटा इज शॉर्टेड इन टू बिन्स एंड द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन ईच बिन इज काउंटेड आप हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए क्या करते हो डेटा को बिन्स की फॉर्म में uh, क्या करते हो उनको डिवाइड कर देते हो और आप फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कितनी uh, कितने डेटा पॉइंट्स आते आए हैं ईच बिन के अंदर ईच इंटरवल के अंदर फाइन जैसे आप यहाँ पे बिन्स की फॉर्म में डेटा को शो करोगे फाइन और आप बिन्स में शो करोगे कि कितने जैसे वन टू टेन आपने रेंज ली ओके तो यहाँ पे कितने आए कितने पॉइंट्स आपके आए मान लो फाइव आए ऐसे ही ट्वेंटी टू थर्टी के बीच में आपके सिक्स आए लाइक दिस फाइन डेटा पॉइंट्स आप ऐसे काउंट करते हो ओके okay, तो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन डी आप चूज करोगे ए इज फॉल्स राइट बट आर इज ट्रू असर्शन आपका रॉन्ग है बट आपका रीजन ट्रू है ओके ओके नाउ हेयर वी हैव द देशन डेटा विजुअलाइजेशन रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक चार्ट ग्राफ्स एंड मैप्स तो ये क्या कह रहा है क्या कह रहा है डेटा विजुलाइजेशन क्या करता है डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट uh, करता है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से एलिमेंट विजुअल एलिमेंट्स का यूज करता है चार्ट ग्राफ्स एंड मैप का वो यूज करता है तो हमारी स्टेटमेंट ए करेक्ट है इंस्टॉल करने के लिए इस कमांड का यूज कर सकते हो पिप इंस्टॉल मेट प्लॉट लेके दिस इज ऑल्सो करेक्ट तो यहाँ पे हमारा असेसन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है लेकिन रीजन क्या है असेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेशन ऑफ एसर्शन तो यहाँ पे हम कौन सा कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे बी बॉथ ए ए एंड आर बॉथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एके ओके एसेशन इज अ हिस्टोग्राम इज बेसिकली यूज टू रिप्रेजेंट डेटा प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स स्प्रेड इन नॉन कॉन्टीन्यूअस रेंजेस तो क्या कह रहा है हिस्टोग्राम क्या करता है डेटा को रिप्रेजेंट करता है फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ग्रुप्स की फॉर्म में लेकिन ये क्या है जो ग्रुप बनाए हुए हैं वो कैसे स्प्रेड किए गए हैं कैसे उनको शो किया गया है इन द फॉर्म ऑफ नॉन कॉन्टिन्यूअस रेंजेस रेंज की फॉर्म में है लेकिन नॉन कॉन्टिन्यूअस है तो ये क्या है रॉन्ग है क्योंकि हिस्टोग्राम में क्या होता है डेटा क्या होता है रेंज रेंजेस किस फॉर्म में होती है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती है

ओके okay, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे असेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू एशन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है लेकिन रीजन क्या है असेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है एट ऑल नहीं जस्टिफाई तो वैसे भी नहीं करेगा क्योंकि असेशन फॉल्स है ओके ओके नाउ वी हैव द देशन लेजेंड ओके okay, फ़ंक्शन में हमने पास किया लेबल्स लेबलेंट को okay, पर्टिकुलर नेम तो देने के लिए लाइक no. ओके uh, like, okay, तो यहाँ पे क्या है रोंग है हमारा एसेशन रॉन्ग है और लेबल का यूज किया जाता है नॉट लेबल्स राइट लेजेंड लेबल फाइन तो एसेशन हमारा रॉन्ग है देन वी हैव द रीजन हेयर रीजन क्या है पी एल टी ओके plt okay? PLT, uh, plt मतलब मेट प्लॉट लिप के savefig फंक्शन के आप अंदर आपने पास पास किया है विल सेव द करेंट ग्राफ इन पी एन जी और जे फॉर्मेट तो क्या होगा जो भी आप फाइल पास दोगे uh, तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे फिगर हमारी सेव हो रही है हमारा ग्राफ सेव हो रहा है किस फॉर्मेट पी एन या jpg फॉर्मेट में सेव हो रहा है ओके okay? तो यहाँ पे क्या है हमारा रीजन ट्रू है एसेशन रॉन्ग है बट रीजन ट्रू है तो आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे यहाँ पे हम सी ऑप्शन को चूज करेंगे ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू फाइन सेशन पी एल टी डॉट प्लॉट प्लॉट फंक्शन में आपने एक्स वाई सीक्वेंस दी है कलर ऑफ द लाइन लेबल ओके जो आपका लेबल आएगा कॉम्पिटिशन लाइन चार्ट क्या है हमारा करेक्ट है ओके हमने यहाँ पे प्लॉट फंक्शन की हेल्प से लाइन चार्ट को क्रिएट करने की कमांड दी है फाइन तो दिस इज योर सेक्ट फाइन देन वी है रीजन तो यहाँ पे क्या है जी इन प्लॉट फंक्शन इज द कलर ऑफ द मार्कर यहाँ पे क्या है रॉन्ग है क्योंकि मार्कर का कलर देने के लिए हम मार्कर कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं यहाँ पे जो जी का यूज़ किया गया है वो कि, किसको कलर देने के लिए किया गया है वो लाइन को कलर कंप्लीट लाइन को कलर देने के लिए किया गया है फाइन तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए को चूज करोगे कि आपका एसर्शन ट्रू है बट रीजन आपका क्या है फॉल्स है ओके okay? ओके नाउ हेयर वी हैव द देशन लाइन स्टाइल लाइन विथ आर यूज टू कस्टमाइज लाइन ग्राफ लाइन स्टाइल लाइन विथ की हेल्प से आप अपने लाइन ग्राफ को कस्टमाइज कर सकते हो मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको आप शो कर सकते हो राइट right? अब रीजन क्या है इन द फॉलोइंग एग्जांपल मार्कर्स लाइन स्टाइल एंड कलर आर मैंशन एक्सक्लूसिवली अब यहाँ पे हमने क्या लिया एक सिक्वेंस लिया एम्प्लॉय काउंट ईयर लिया है ओके okay, एंड अब हम क्या क्रिएट करें अब लाइन चार्ट क्रिएट करें पी एल टी आपने ईयर को क्या करा दिया यहाँ पे पास करा दिया ओके एंड देन एम्प्लॉय काउंट यहाँ पे एक्स एक्सिस आपका क्या है ईयर एंड वाई एक्सिस आपका क्या है एम्प्लॉय काउंट ओके एंड आपने यहाँ पे क्या किया है यहाँ पे मार्कर का स्टाइल दे दिया है राइट right? एंड लाइन का स्टाइल दे दिया है एंड आपने लाइन का कलर दे दिया है फाइन तो यहाँ पे क्या है फोर्टी जो इसका ऑप्शन है वो क्या होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू आपके दोनों ऑप्शन ट्रू है एसेशन भी और रीजन भी ओके नाउ वी हैव द एसेशन इन हिस्टोग्राम एक्स एक्सिस इज अबाउट बिन रेंजेस एक्स पे क्या शो किया जाता है इंटरवल्स या बिन्स की रेंज को शो किया जाता है वेयर वाई एक्सिस इज

बट आर नॉट रिक्वायर टू बी ऑफ इक्वल साइज मोस्टली वो इक्वल साइज के होते हैं बट हमेशा ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो हमेशा इक्वल साइज के हो डिफरेंट डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं फाइन तो यहाँ पे हमारा क्या है बॉथ ए एंड आर एसेन एंड रीजन आर ट्रू फाइन ओके here we have the session matplotlib dot pyplot dot show function is a method used to plot a line graph तो यहाँ पे show function का तो हम किसलिए use करते हैं किसी भी graph को show करने के लिए तो आपका assertion क्या है wrong है now we have the reason reason आपका क्या है show function is a method is method is defined in the library matplotlib dot pip तो ए, शो फंक्शन को मैट प्लॉट लिप डॉट पिप लाइब्रेरी तो मैं पिप लाइब्रेरी नहीं है हमारे पास ओनली मैट प्लॉट लिप लाइब्रेरी है राइट डॉट पाइप प्लॉट होगा तो यहाँ पे हमारा रीजन भी रोंग है फाइन तो फोर्टी सेवन का कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे ऑप्शन डी ओके ऑप्शन डी फाइन ओके ना एसेशन इज पाइप पाइपलॉट इज अ सब लाइब्रेरी ऑफ मेट प्लॉट लेवा आप सब लाइब्रेरी या सब मॉड्यूल या सब फंक्शन भी बोल सकते हो तो आपका एसेशन ट्रू है ओके okay. क्या है उसकी सब लाइब्रेरी है या सब मॉड्यूल ओके okay. अब हमारे पास रीजन क्या है लाइन इज नॉट अ वैलिड प्लॉटिंग फंक्शन ऑफ पाइप पाइप्लॉट लाइन फंक्शन नहीं है लाइन फंक्शन का यूज़ हम नहीं करते हैं. किसी भी ग्राफ uh, को क्रिएट करने के लिए अगर लाइन ग्राफ हमें क्रिएट करना है तो हम प्लॉट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है बोथ ए एन आर आर ट्रू बोथ एसन एंड रीजन आर ट्रू ओके नाउ वी हैव द देश मार्कर हैज़ डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक स्टाइल कलर साइज एसेट्रा मार्कर का हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं उसका स्टाइल uh, आप डिफाइन कर सकते हो कलर उसका डिफरेंट डिफरेंट कलर आप डिफाइन कर सकते हो साइज मार्कर का डिफरेंट दे सकते हो ओके okay, तो so हमारा एसेशन क्या है ट्रू है नाउ लुक एट द रीजन वी कैन कस्टमाइज लाइन ऑफ अ लाइन चार्ट बाय यूजिंग मार्कर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लॉट फंक्शन ये क्या कह रहा है कि आप लाइन चार्ट के अंदर लाइन की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए मार्कर प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो लाइक मार्कर साइज एंड मार्कर स्टाइल नो दिस इज नॉट करेक्ट क्योंकि लाइन की प्रॉपर्टी इस डिफाइन करने के लिए हम लाइन लाइन की ही प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे फाइन ओके okay. तो यहाँ पे क्या रीजन हमारा रॉन्ग है लाइन की प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए मार्कर की प्रॉपर्टीज को प्लॉट फंक्शन के अंदर पास नहीं कर कर सकते मार्कर की प्रॉपर्टीज मार्कर की ही प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे और लाइन की प्रॉपर्टीज लाइन की प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे फाइन तो यहां पे हमारा ऑप्शन ए है आप इसको चूज करोगे ऑप्शन ए को एशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स Now we have the assertion legend of the graph reflects the data displayed on the graphs y axis. Legend क्या बताता है कि आप कौन सा data represent कर रहे हो y, y axis पर. Fine. Okay. अब reason क्या है? Location of the legend can be changed by using the lock attribute. आप उसकी legend की location को change कर सकते हो lock attribute की help से. तो यहाँ पे हमारा कौन सा option आएगा? Option B. Both assertion and reason are true. okay children now we will meet in next video related to your exam till then uh, be studying all the best uh, keep studying not be studying keep studying and all the best for your exams